बट सावित्री पूजन या बरसाती मावस। जेठ मास की कृष्ण अमावस्या को बरसायत अमावस कहते हैं। बरसायत अमावस को बड़ की पूजा की जाती है। पानी, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल और सूत आदि मिलाकर बड़ के पेड़ पर लपेटते हैं और फिर उसकी परिक्रमा देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर भी कुछ लोग पहनते हैं और बरसायत अमावस्या की कहानी सुनते हैं। इस दिन हमें भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायना निकालना चाहिए और फिर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर उन्हें देना चाहिए। अगर किसी की बहन या बेटी गांव में हो या पास में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। अब हम सुनते हैं बरसायत अमावस्या की कहानी। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि मेरे संतान हो। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई है, परंतु वह 12 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती जी की और बरसायत अमावस्या की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसके विधवा होने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसायत अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को यह भी पता था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे मैं ले चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊँ। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ पर एक सांप रहता था, उसने सत्यवान को डस लिया। अब क्या था, सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बरसायत अमावस्या है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। उससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके भी पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी उसे दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुझे और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सावित्री ने उनके कहने के अनुसार ठीक वैसे ही किया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ बड़ के पेड़ की पूजा की, बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना और बायना निकाला। हे महाराज, जैसे बरसायत अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। बरसायत अमावस्या को बट सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं।
इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें। एक गोवा।